Hello students, in today's video we are going to learn heterotrophic nutrition. First type का nutrition हम already कर चुके हैं, autotrophic nutrition, जिसमें plants and कुछ organism जैसे blue green algae, bacteria जो होते हैं अपने food को photosynthesis process को use करके synthesize करते हैं. लेकिन इस heterotrophic nutrition में क्या है? Heterotrophic जो term है, it is made up of two word, हेट्रो एंड ट्रॉफिक. हेट्रो का मीनिंग होता है अदर एंड ट्रॉफिक का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन. सो वी कैन से दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंड देयर न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं. तो हम ह्यूमन बीइंग क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स हो गए, यानी हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं. ओके, एंड बिकॉज हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं, दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग जो हुए वो हेट्रोट्रॉप्स हुए. ओके, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स. ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूमर्स है, एनिमल्स ले लो वो भी कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लांट्स की न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं. दैट्स वाई जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं. ओके, अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ओके, फर्स्टली हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को देखते हैं. सबसे पहले सेप्रोफाइटिक में जो सेप्रो वर्ड है, इसका मतलब होता है रॉटन. रॉटन मीन्स सड़े गले चीज. ओके, तो ये जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म्स अपने न्यूट्रिशन को, अपने न्यूट्रिएंट या अपनी फूड को डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड करते हैं. ठीक है, क्या बोला मैंने, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. क्लियर है? आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जिनकी डेथ हो जाती है, वो 15 डेज 20 डेज के बाद अगर फिर से आप उसकी बॉडी देखने जाओगे तो उनकी बॉडी की साइज क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है. ठीक है, तो ये रिड्यूस क्यों होती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, तो इसलिए उनको डिकम्पोजर बोलते हैं. लेकिन क्या होता है, कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो उन्हीं डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिएंट को लेते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड माउल्ड हो गया. ब्रेड माउल्ड क्या है, एक फंगस ही है. आपके घरों, आपने देखा होगा कि घरों में जो ब्रेड होते हैं, अगर वो थोड़े से मॉइस्ट हो जाते हैं, उसमें पानी उनी लग जाता है, और वो एज इट इज़ आपने छोड़ दिया कहीं पे, तो कुछ दिनों के बाद उसमें फंगस लग जाती है. तो फंगस क्या करता है, उस ब्रेड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है. तो ब्रेड क्या है, डेड एंड डिकेइंग डिकेइंग चीज़ ही तो है. ओके, तो उससे क्या कर रहा है, जब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है, सबसे पहले उस फूड मटेरियल को ब्रेक करता है. ओके, उसकी ब्रेक डाउन करती, फूड मटेरियल की ब्रेक डाउन होती है, एंड उस फूड मटेरियल की न्यूट्रिएंट को और एब्जॉर्ब किया जाता है. मींस फंगस जो होती है वो ब्रेड को सबसे पहले क्या करती है, उसको ब्रेक करती है, एंड ब्रेक करके उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, नेक्स्ट जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलो का मतलब होता है होल, एंड जून मतलब होता है एनिमल. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड को डायरेक्टली माउथ में लिया जाता है, होल फूड, पूरी फूड को क्या किया जाता है, माउथ में लिया जाता है. एंड ये होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंस में, डॉग्स में, कैट्स में, इवन अमीबा में भी क्या होता है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. आपने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा, अमीबा क्या करता है, फूड को, होल फूड को वो डायरेक्टली अपने माउथ में लेता है. ठीक है, तो ये जो फूड को बाहर से अपनी माउथ में जो लेने की प्रोसेस होती है, दिस इज़ नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है,
वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अगर मैं मैन की बात करूँ तो हमने क्या किया, सॉलिड फूड होल फूड को क्या किया, अपने माउथ में लिया एंड माउथ से फिर वो क्या जाता है, माउथ से वो ईसोफेगस में होता हुआ स्टमक में एंटर करता है, हमारी बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन होती है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस है, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक में क्या डिफरेंस है, सारे में क्या है, डिपेंड कर रहे हैं दूसरे पे, बट ये जो पैरासिटिक है इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, लेकिन सेप्रोफाइटिक में एक ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है कस्क्यूटा अमरबेल, जो येल्लो कलर की आपने देखी होगी, येल्लो कलर की थ्रेड लाइक प्लांट्स होते हैं जो दूसरी प्लांट के ऊपर को कवर किए हुए होते हैं, उसको अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए उस ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है। सिमिलरली लाइस, लीचेस, टेपवॉर्म हमारी स्टमक के अंदर होता है। ओके, तो हमारी बॉडी के ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है एंड चूंकि हम लिविंग है दैट्स वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को लिया जा रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंडर आता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू।